नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सार्थक सिंह है। मैं शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, फार्मर द जर्नलिस्ट। आज हम आपको गन्ने पर मिट्टी चढ़ाने की विधि के बारे में बताएंगे और इसमें फर्टिलाइजर उर्वरक कैसे प्रयोग की जाती है इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, देखिए ये गन्ने का फार्म है। आज हम आपको बताएंगे गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का सही समय, उर्वरक प्रयोग यानी कि फर्टिलाइजर जो होता है वो किस समय पर इसे देना चाहिए। जुताई के समय 50 कुंटल गोबर की खाद मिट्टी में डालें। जो जुताई के समय होता है वो 50 कुंटल गोबर की खाद मिट्टी में डालें, जिससे हमारे भरपूर पैदावार मिल सके, जिससे भूमि में नमी बने रहे और जो होती है नमी वो भी इसमें बनी रहे। गन्ने की बुवाई से पहले सिंगल सुपर फास्फेट, जो सिंगल सुपर फास्फेट होती है वो 150 किलोग्राम 50 किलोग्राम यानी कि 150 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में डालनी चाहिए। म्यूरेट ऑफ पोटास, जो म्यूरेट ऑफ पोटास होती है वो भी 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से खेत में डालें, जिससे भरपूर पैदावार मिल सके। बेहतर पैदावार के लिए गन्ने की फसल में पोटास एवं फास्फोरस का प्रयोग करें। जो बेहतर हमारी गन्ने का फार्म से अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसमें पोटास और फास्फोरस का भी प्रयोग करें। मिट्टी की जांच के बाद ही करें, जब मिट्टी की जांच हो जाती है उसके बाद में इसमें प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्रति एकड़ खेत में 10 किलोग्राम रिएजेंट का भी उपयोग करें। 10 किलोग्राम रिएजेंट प्रति एकड़ यानी कि 6 बीघे में डालें। इसके अलावा आप बर्मी कम्पोस्ट प्लस रेजी गोल्ड 8-10 किलो केजी यानी कि प्रति एकड़ जो रेजी गोल्ड होती है प्लस इसके साथ में प्रति एकड़ डालें, 5-10 केजी प्रति एकड़ का उपयोग करें, प्रयोग भी कर सकते हैं। बुवाई से 45 दिन बाद खेत में 100 किलोग्राम यूरिया को 2-3 बार सिंचाई के समय उपयोग करें। बुवाई से पहले, जब हम बुवाई करते हैं उससे पहले यूरिया को 45 दिन बाद खेत में 100 किलोग्राम यूरिया को 2-3 बार सिंचाई के समय करें। सिंचाई होती है उससे बाद या उससे पहले 100 किलोग्राम यूरिया का भी इसमें उपयोग करें, जिससे हमारा गन्ना बहुत बढ़िया और बढ़िया हो सके और इससे किसान भाई बहुत बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अभी जो है मिट्टी चढ़ाई नहीं है, बल्कि अब हम चढ़ाने वाले हैं। बराबर मात्रा में बांट सकते हैं, यूरिया जो होती है उसको हम बराबर आधा इधर कर देते हैं और आधा उसमें मिला लेते हैं तो बराबर हो जाती है। 3 साल में एक बार गन्ने की बुवाई से पहले 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। जब 3 साल में एक बार यानी कि 3 साल में एक बार गन्ने की बुवाई से पहले 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो होती है वो प्रति एकड़ यानी कि 6 बीघे में डालें, इससे गन्ना बहुत बढ़िया रहता है। बारिश से पहले गन्ने पर मिट्टी चढ़ानी चाहिए। जब बारिश होती है, अभी जो जून का महीना है, जुलाई का महीना है, अभी मिट्टी हमने नहीं चढ़ाई है बल्कि अब हम चढ़ाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो इसकी रूट्स होती हैं, जड़ें वगैरह, इसमें भी मिट्टी हम चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।